झूठ कौन बोल रहा है? भगवान से पूछो झूठ कितना बोल रहा है। एक तो पार्टी आधी छोड़ के अंदर रखता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज है मंडे और आज सभी अपने अपने काम पे डट गए हैं। अनुराग की क्लास आने वाली है, अभी 9 बज चुके हैं, ब्रेकफास्ट हो गया है, किसी ने कर लिया है, किसी के लिए बन के रेडी है, उन्होंने अभी नहीं करना है, लेट करेंगे। तो अभी मैं कर रही हूँ सफाई, बने रहिए हमारे वीडियो में, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। अभी झाड़ू मैंने लगा दिया है सारे में और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। तो अभी चाय पीने का समय हो रहा है, नाश्ता कर लिया था, नाश्ते के बाद की चाय पीनी है अभी हमें। पर मेरे घर में आज चीनी नहीं है, अभी देवेंद्र चीनी लेके आएगा क्योंकि हमें सोसाइटी से इस बार चीनी नहीं मिली है। तो अभी देख देवेंद्र फटाफट से लेके आएगा दुकान से चीनी और फिर हम बनाएंगे चाय। अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पर, पीछे आप देख सकते हैं खेत, खेत में सब्जी निकालने के लिए थोड़ी सी पालक, जैसा कि कल हमने सरसों लाया था, तो मुझे पालक निकालना है ये पीछे। तो मैं फटाफट से पालक निकाल लेती हूँ और हमारे सब्सक्राइबर हैं, भैया हैं, उनने भी मांगा है पालक, तो उनको लिए उनके लिए भी पालक निकालते हैं थोड़ा सा। तो अभी मैं चलती हूँ खेत में, निकालते हैं पालक। तो यहाँ पे है थोड़ा लंबा लंबा पालक, यहाँ से मैं निकाल रही हूँ। ग्रीन वेजिटेबल जो कल कल आया है साग, उसमें डाल के बनाएंगे, उसे निकाल लेते हैं। थोड़ा सा पालक ये निकाल लिया है मैंने पालक, इसमें से थोड़ा सा मैं अपने साग में डालूंगी और बाकी मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए भेज दूंगी। अभी अभी आया था कोरियर वाले का फ़ोन, अभी एक कोरियर आया है, देवेंद्र को भेज रही हूँ कोरियर लेने के लिए। देवेंद्र कोरियर लेके आएगा फिर हम देखते हैं कि उसमें क्या है, जल्दी से आना ठीक है। तो देवेंद्र ये कोरियर लेके आ गया है, इसको हम खोल के देखते हैं क्या है। मैंने एक कुर्ती मंगाई थी, इसमें देखते हैं ज़रा कैसी आई है। ये है कुर्ती, काफ़ी अच्छी है, आजकल इसका काफ़ी फेरन का काफ़ी फैशन चला है, तो उस तरह की मैंने कुर्ती मंगाई है। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये जो कपड़ा है इसका थोड़ा अलग हो, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी कुर्ती है। ये है देखो पूरी कुर्ती मेरी, यहाँ पे इसके साइड्स पे भी इसमें वर्क हुआ हुआ है और यहाँ पे भी, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। मैंने ये मीशो से मंगाई थी तो 450 की पड़ी है ये मेरे को कुर्ती, तो काफ़ी अच्छी है मुझे तो ये, प्राइस वाइज भी और क्लोथ वाइज भी ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग, अब मैं इसको पहन के दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, तो शाम के 4 बज चुके हैं, यहाँ पे बन रही है चाय और इसमें है साग, मैंने बॉईल करने के लिए डाल दिया है, मैंने सारा साग धो लिया था और काटने के बाद जो है वो सारा इसमें डाल दिया और थोड़े से चावल भी इसमें डाल दिए। हम साग में चावल डालते हैं और इस तरह से हम साग बनाते हैं और जब ये उबल जाएगा तो इसको घोट देंगे हम। अभी मेरी चाय बनकर हो चुकी है रेडी, अनुराग और मैं ही अभी घर पे हैं, देवेंद्र भी अपने कंप्यूटर सेंटर गया हुआ है और हस्बैंड भी गए हुए हैं अपनी शॉप पे। तो अनुराग और मैं करेंगे चाय, अनुराग को भी पीनी है चाय अदरक वाली, थोड़ी सी गले में खराश है उसको भी। ये है साग, अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके घोट लूंगी, काफी देर तक इसको मुझे घोटना पड़ेगा जिससे इसको ये अच्छे से जो है क्रश सा हो जाएगा। भैया आपको इसको क्रश करने के बाद में और हम इसको तड़का तुड़का लगाएंगे और फिर बनाएंगे मक्की की रोटी और साग, तो आपको दिखाएंगे तैयार हुआ हुआ हमारा साग। ये साग हो गया है रेडी और अब हम बनाएंगे मक्की की रोटी। यहाँ पे हो रही है मक्की की रोटी बनाने की तैयारी, तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके एक एक रोटी के लिए इसका आटा गूंदा जाता है, ऐसे जितना अच्छे से इस आटे को गूंदेंगे उतनी अच्छी मक्की की रोटी बनेगी। तो अभी बनाते हैं मक्की की रोटी और सरसों का साग। तो हमारे पहाड़ों में ये सर्दियों में खूब खाया जाता है मक्की की रोटी, सरसों का साग और थोड़ा सा घी डाल के। तो मुझे तो चावल के साथ भी साग काफ़ी अच्छा लगता है, कुछ लोग नहीं खाते हैं चावल के साथ, पर मुझे तो चावल के साथ भी बहुत पसंद है। ये बन रही है मक्की की रोटी, मुझे ज़्यादा अच्छे से बनानी नहीं आती है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ मक्की की रोटी बनाने की, क्योंकि हम बहुत कम बनाते हैं मक्की की रोटी,
इसलिए। देविंदर खा रहा है यहाँ पर मक्की की रोटी और सरसों का साग, साथ में लिए है इसने गाजर एज अ सलाद। कैसा लग रहा है देविंदर, कैसे बना है? बहुत ज्यादा अच्छा बना है। मक्की की रोटी कैसी बनी? बहुत ज्यादा अच्छी बनी। अच्छी बनी है। और साग, मिर्ची तो नहीं है साग में? मैंने मिर्ची नहीं डाली है। वैसे तो साग तीखा अच्छा होता है, आपकी वजह से मैंने इसमें मिर्ची नहीं डाली है। बिल्कुल नहीं है। बोलते हैं ना कि भाई मिर्च नहीं डालनी, हरी मिर्च एक डाली थी, अदरक भी डाला था। अदरक तो यहाँ है। हाँ, और क्या डाला था? बस इतना ही डाला था, ज्यादा मिर्ची नहीं डाली थी मैंने। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। साग आपने भी खा लिया ना? साग कैसा लगा आपको? अच्छा था, टेस्टी बना था। कितनी रोटियां खाई? दो। और जब चपाती होती है तब कितनी खाते हैं? तीन। एक। झूठ। क्या झूठ? एक खाते हैं आप, वो भी आधी आप छोड़ देते हो अंदर। और मक्की की रोटी आपने दो खाई, बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब साग, एक फुल्का कब खाया मैंने? झूठ बोलते हैं। इसका मतलब साग टेस्टी बना था। एक फुल्का तो कभी नहीं खाता मैं रात को। कोई नहीं बच्चा, अगली बार जब आप, अभी भी एक फुल्का नहीं खाता, हमेशा दो या तीन होते हैं। अगली बार जब आप एक चपाती खाएंगे ना, ठीक है? ठीक है। जब आप अगली बार एक चपाती खाएंगे ना अनुराग, तब मैं बताऊंगी आपको। देख रहे हैं, मैं नहीं खाता एक चपाती। आप ना कैमरे के सामने बहुत झूठ बोलते। मैंने कब खाई एक चपाती? झूठ नहीं बोलते। कैसे बोल रहा है? झूठ बोल रहे हैं। मैंने नहीं खाई। झूठ कौन बोल रहा है? आप भगवान से पूछो, झूठ कितना बोल रहा है? एक चपाती आधी छोड़ के अंदर रखा है, रोज झूठा। अभी भी दिखाऊं आपकी थाली? दिखाओ दिखाओ। नहीं है ना मम्मा खाया। किसने छोड़ा है? किस अभी? हाँ? हमने ज्यादा साग दिया था, हमने बोला कि खा ले जितना खा। वो तो रोज का ही काम है आपका। तो खाने में आज बनी है मक्की की रोटी और सरसों का साग। हम करते हैं इंजॉय मक्की की रोटी और सरसों का साग। और आप लोग तब तक के लिए हमारे चैनल को डू लाइक शेयर एंड कमेंट। और एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।